रेवाड़ी बॉर्डर पर कोरोना ने फिर से दस्तक दी है। बहरोड के बाद चावड़ी गांव का ड्राइवर कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। आजादपुर मंडी से सब्जी लाता था यह ड्राइवर और ये कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। संपर्क में आए 22 लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। रेवाड़ी बॉर्डर पर कोरोना ने एक बार फिर से दस्तक दी है। बहरोड के बाद कोटक सिम ने चिंता बढ़ा दी है। चावड़ी गांव का ड्राइवर कोरोना पॉजिटिव पाया गया। प्रेम भारद्वाज हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रेम, ज्यादा जानकारी क्या मिल पा रही है वहां से? विषय है क्योंकि जो कोटका सिम का इलाका है जहां कोरोना पॉजिटिव पाया गया, ये आजादपुर मंडी से सब्जी लेकर आया करता था और अक्सर रेवाड़ी बॉर्डर से होकर गुजरता था। ऐसे में 22 लोग उसके संपर्क में आए जिन्हें क्वारंटीन किया गया है और सैंपल भेज दिए हैं। रिपोर्ट आनी अभी बाकी है, लेकिन मात्र 22 किलोमीटर की दूरी यहां से है कोट कासिम की। ऐसे में चिंता का विषय प्रशासन और रेवाड़ी वासियों के लिए जरूर बना हुआ है, क्योंकि रेवाड़ी अभी तक एक भी पॉजिटिव केस नहीं है, टोटली नेगेटिव केस है। और ऐसे में अगर रेवाड़ी के ऊपर भी खतरा मंडरा सकता है, क्योंकि ज्यादा दूरी नहीं है कोट कासिम और रेवाड़ी के बीच में। जी ठीक है, रेवाड़ी में क्या टेस्टिंग हो रही है बड़े पैमाने पर या नहीं हो रही है? देखिए, टेस्टिंग की बात करें तो टेस्टिंग का कोई बहुत बड़ा पैमाना नहीं है। जिन्हें बहुत ज्यादा शिकायत होती है या डाउटफुल होते हैं, सिर्फ उन्हीं की टेस्टिंग की जा रही है। आम लोगों की अभी तक कोई टेस्टिंग रेवाड़ी के अंदर नहीं हुई। अगर टेस्टिंग की संख्या बढ़ाते हैं तो निश्चित रूप से यहाँ भी पॉजिटिव केसेस आ सकते हैं। इसके लिए प्रशासन को और ज्यादा अलर्ट होना पड़ेगा। टेस्टिंग की संख्या जो है वो ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि इसके सिम्टम्स जो होते हैं वो खांसी और जुकाम ही होते हैं, और ऐसे बदलते मौसम में हर व्यक्ति को ये सिम्टम्स पाए जाते हैं, और ऐसे में स्क्रीनिंग होना और टेस्टिंग होना काफी लाजमी हो जाता है। जी नहीं, लेकिन एक ही ये भी है कि जिस तरह से मंडी कनेक्शन कोरोना का निकल रहा है हर जगह से, तो क्या मंडी में, सब्जी मंडी हो, अनाज मंडी हो, वहां टेस्टिंग करने के बारे में प्रशासन ने रैंडम सैंपलिंग नहीं की है? अभी तक ऐसी कोई ना तो एडवाइजरी जारी की है प्रशासन ने टेस्टिंग को लेकर के। आम जनता भी करवा सकते हैं, मंडी है, मंडी में जैसे लगातार अनाज आ रहा है, यहाँ पर सरसों आ रही है, गेहूं आ रही है, सब्जी मंडी है, लोग सैकड़ों लोग रोज वहां पर जाते हैं सब्जी खरीदने के लिए। लेकिन अभी तक जो है सब्जी से जुड़े हुए जो तथ्य सामने आ रहे हैं जिनके कारण से कोरोना ज्यादा फैलाव हो रहा है, रेवाड़ी में अभी तक किसी प्रकार की टेस्टिंग शुरू नहीं हुई। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।